नमस्कार भाई दोस्तों, सरकार की छुपी हुई गंदी मानसिकता जो है सिक्कों के प्रति, वो सामने आ ही गई। अभी भी अपनी आंखें बंद करके रहना चाहते हो तो मुबारक हो आप लोगों को, आप बिल्कुल मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हो। आदेश आया है, आदेश कहाँ से आया, सेना की तरफ से आदेश आया है कि सिक्कों की दस्तार हटा के उनका एक हेलमेट दिया जाएगा, दस्तार उतारी जाएगी। आज इनका हाथ आपकी दस्तार तक पहुँच चुका है, गर्दन तक ज़्यादा दूर नहीं है, गर्दन तक हाथ भी पहुँचेगा और इनका पैर भी पहुँचेगा। एक चीज जो आपको बार बार कहता आया था मैं कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, ये लोग कहीं ना कहीं छुपा हुआ एजेंडा है उसको सामने लेके आएंगे धीरे धीरे, और सामने लेके आने लग रहे हैं। अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही होंगी, नहीं खुल रही ना लोगों की आंखें, आंखें खुलेंगी भी नहीं। आज आपको डिटेल में बताते हैं कि ये चीज पहुंची कैसी है यहां तक और किस कारण पहुंची है। जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक भोजी यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए। हाँ, शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, सच्चाई बताने की जिम्मेवारी हमारी है। सच्चाई बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट सच्चाई, आप सुनते जाना। दस्तार किसने सजाई थी सिंहों के सिर पर? दशहम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दस्तार सजाई थी, तब एक खालसा सजाया था। दस्तार है तो खालसा है, दस्तार नहीं तो फिर दस्तार तक हाथ पहुँच गया। हरियाणा में हम पगड़ी बोलते हैं, पगड़ी की क्या कीमत होती है हरियाणा वालों को पता है, दस्तार की क्या कीमत है क्या सिखों को नहीं पता? नहीं पता क्या? नहीं पता तो सुनो ध्यान से। पहले भी ये छोटे छोटे एजेंडे लेके आए थे, उसका विरोध होता दिखा, अब सेना की तरफ से आ गया। आपको बता देता हूँ, मेरे ऊपर देशद्रोह केस लगाया था, सेना के थ्रू लगाया गया था कि सेना ने केस किया इसके ऊपर, जब जिस टाइम पर आंदोलन चला हुआ था किसान आंदोलन, कि सेना ने इसके ऊपर केस किया है। मेरे को तो कोई सैनिक नजर नहीं आया भाई, ना एक ऑफिसर नजर आया, एक दिन भी वो तारीख पर नहीं आए और मैं अभी तक तारीखों पर जा रहा हूँ, कोई भी नजर नहीं आया। ये इनका मतलब छुपे हुए जो एजेंडे ना, जब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो सेनाध्यक्ष होते हैं वो पता नहीं अब सरकारी एजेंट है या क्या है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकारी की भाषा बोल रहे हैं, तो समझे नहीं आदेश कहाँ से आया है। दस्तार उतारी जाएगी स्पेशल ऑपरेशन के लिए, वीर हेलमेट दिया जाएगा आपको रात को स्पेशल ऑपरेशन के लिए। प्रधानमंत्री साहब, आप शायद भूल गए, आज आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करवाते हैं। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी ना, आप छुप के भागे थे, आपने सिखों का ही रूप धरा था, दस्तार पहन के भागे थे, सिर पर डाडी मूछ बढ़ाकर पगड़ी पहन के भागे थे, याद है या भूल गए? चाहे द्वितीय विश्व युद्ध ले लीजिए कि जितने भी युद्ध हुए हैं, और आते हैं आपके, आप बोल रहे हो हेलमेट है, बुलेट प्रूफ हेलमेट बोल रहे हो ना, बुलेट प्रूफ पटका जैकेट आया है सेना के अंदर, टाटरा का आता है, नहीं है तो बता देते हैं आज आपको तसल्ली बख्श। उस टाटरा के हेलमेट के अंदर से गोली लग गई थी एक जवान को, सीओ साहब ने म्यूजियम में रखवा रखा है वो बुलेट प्रूफ पटका, जाके एक बार चेक कर लेना। जबकि उसको तो बोलते हैं कोई गोली भेज ही नहीं सकती, उसके अंदर से सिर में गोली लगी थी एक जवान को, तब बोला था कोई जरूरत नहीं इस बुलेट प्रूफ पटके की, तो ये हेलमेट गोलियों से बचा लेगा क्या? गोलियों से बचा लेगा? आप बोल रहे हो कि रात को स्पेशल ऑपरेशन के लिए दस्तार हटाई जाएगी, इसलिए दस्तार हटा रहे हो, हेलमेट दिया जा रहा है, ये एक बहाना है आपकी संस्कृति आपके इतिहास को मिटाने का बहाना है। अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आया ना, तो सीखो सोते रहना, फिर तुम्हारे लिए बोलना कोई फायदा भी नहीं है। अगर तुम मानसिक गुलाम हो चुके हो तो बढ़ो, स्वीकार कर लो कि हाँ तुम गुलाम हो, गुलामी स्वीकार कर लो फिर अगर करनी है तो। लेकिन ये गुलामी का एक छोटा सा प्रारूप आपके सामने आया है, ये बड़ा होता चला जाएगा। जो आप दस्तार पहन के निकल जाते हो ना, आपको हेलमेट नहीं लगाना पड़ता कुछ, सब कुछ लगवा देंगे, सब कुछ धीरे 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 करके देखते हैं ये कितना दम बचा है विरोध करने का, वो दम खत्म होता जा रहा है, विरोध कीजिए इस चीज का। प्रधानमंत्री साहब, आपके पास एक सेना है, स्पेशल सेना जिसको बोलते हैं, वही आरएसएस वाली जो सेना से भी जल्दी तैयार होकर बॉर्डर पर पहुंच जाती है, यही कहना था ना मोहन भागवत साहब का कि सेना से जल्दी हमारे जवान पहुंच जाएंगे, उनको भेजो ना फिर स्पेशल ऑपरेशन में। अब क्यों सिखों की याद आ रही है आपको? यह स्पेशल ऑपरेशन में मरने के लिए आपको हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जवान ही दिखाई देते हैं, गुजरात वाले कितने हैं सेना के अंदर, एक बार निकालो ना परसेंटेज निकाल के दिखाओ। आप क्यों नहीं जातिगत जनगणना होने देते, इसका विरोध क्यों कर रहे हो? करवाइए जातिगत जनगणना, कौन सी जाति के कहां सेट हैं, पता तो लग जाए, कम से कम इस देश की आंखें तो खुल जाए, इस देश की आंखें बिल्कुल बुरे तरीके से बंद कर रखी हैं। कितने होंगे जाट पूरे देश के अंदर, कभी सोचा है? कभी सोच के देखना कितने जाट होंगे, 2-3 करोड़। कितने हैं सिख? 0.02%, 2% लगा लो। फिर मरने के लिए इनको आगे रखा जाता है, मरने के लिए इनको आगे रखा जाता है, स्पेशल ऑपरेशन में ये जाएंगे और इनकी संस्कृति को पीछे धीरे से मिटाते आ रहे, मिटाते तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी संस्कृति। एक चीज जो बार बार मैं बोलता आया था, जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं वो कौमें खत्म हो जाती हैं, और आप खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके हो, क्योंकि आप में से कुछ सिख हैं जो कि दस्तार पगड़ी पहन के नागिन डांस करते हैं, बीजेपी के नेताओं के चरणों में लेटते हैं, वो भी आपको दिखाया था, आपकी कब समझ में आएगा?
कि आपके इतिहास को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। आप छोड़िए, एक चीज मैंने जो बताई थी आप लोगों को, प्रधानमंत्री साहब ने जिसका भी नाम लिया उसी को रोड पे लेके आए हैं। अब ये सिखों की तारीफ कर रहा था, सिर पे निशान साहिब लगा के चल रहा था कि मैंने तभी बोल दिया था कि सावधान हो जाना, टारगेट पंजाब है, टारगेट सिख है और टारगेट कर रखे हैं। अभी भी अगर तुम्हारी आंखें बंद हैं, द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज कितने युद्ध उठा के देख लीजिए आप, कभी किसी ने सिखों की दस्तार की तरफ हाथ नहीं उठाया था, कभी नहीं उठाया था, लेकिन पहुंच गया था दस्तार तक। अभी भी अगर आप सोना चाहते हो सो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ आप वीर हेलमेट लगाओ। अभी वहां पे लगाया जा रहा है, फिर आपको बोल दिया जाएगा कि बाइक चलाते समय आप हेलमेट लगाइए दस्तार को। जब दस्तार आप सेना में उतार सकते हो तो यहां भी उतार सकते हो। आएगा ये आदेश, लिख लेना इस चीज को। अभी तो सिर से दस्तार उतरवाई है, तो जो तुम्हारे पांच के है ना, वो पांच के देख लेना आप, कहां जाके बचोगे, कितना बचोगे। बस तुम्हारे को तो सोचते रहना, वही याद के वीडियो शेयर करते रहो, करते रहो शेयर, दबा दब फैला दो हर जगह पे। मोदी ने सिखों के बारे में ये बोल दिया, योगी ने ये बोल दिया, क्या बोल दिया, तुम्हारे को टारगेट पे ले दिया, और अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही, खुल नहीं रही तुम्हारी आंखें, भूल चुके हो तुम तुम्हारा इतिहास क्या है, और भूलते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो। तुम्हारे सही कहा था, चाहे वो जाट हो, जट हो या जुट हो, इनको समझाना बहुत मुश्किल है, बहकाना बहुत आसान है। बहका देते हैं कोई भी बस पगड़ी पहन का आपको बहका देता, आप उसके पीछे पीछे चल देते हो, पीछे पीछे, और वो भेड़ों की तरह आपको लेके जाता और कुएं में डाल देता है। भेड़ बना रखा है, भेड़, इंसानों में गिनती नहीं बची तुम्हारी, चाहे हरियाणा है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है, भेड़ समझ रहे हैं, कमेरे वर्ग को भेड़ बना दिया और बनते जा रहे हो। तुम्हारी आंखें नहीं खुल पा रही, कब आंखें खोलोगे अपनी, कब सॉरी, तुम्हारी आंखें नहीं खुल पाएंगी भाई। कोई कितना ही तुम्हारे को जगाने की कोशिश करे, कितना ही जगाने की कोशिश करे, तुम जागना ही नहीं चाहते, जागना नहीं चाहते। विदेशों में जो एनआरआई बैठे हैं, जितने भी सिख बैठे हैं, वो तो अपने मतलब धर्म को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अपने ही देश में जो बैठे हैं, बस वो नेताओं के जयकारे लगाने में मशगूल है, कौन बचाएगा फिर। धर्म संस्कृति को खत्म किया जा रहा है, भाषा को खत्म किया जा रहा है, लेकिन हमें क्या है, हमें तो बस मजा आ रहा है नेताओं के झंडे उठाने में, यही है ना, यही तो होगा, झंडे उठाने में बहुत मजा आ रहा है आपको, उठाते रहो झंडे। आने वाले 10 सालों में अपना इतिहास ही बता देना कोई भी मेरे को, कोई भी अपना इतिहास बता देना कि यह इतिहास क्या है, जीरो माइनस एक को भी नहीं पता मिलेगा, ये याद रख लेना आप, आपको पहले ही बताया था, सावधान करते आए हैं, सावधान हो जाओ भाई, सावधान हो जाओ, ये टारगेट पे है, टारगेट पे है, संयुक्त पंजाब का पूरा एरिया टारगेट पे है। अभी तो रुक जाओ, अभी तो हरियाणा में भी शुरू होगा जातिवाद का खेल, हरियाणा में नहीं शुरू होगा क्या, होगा हरियाणा में शुरू, यूपी में भी होगा, यूपी में हिंदू मुसलमान दबा के चलेगा देख लेना आप, राजस्थान में भी जातिवाद चलेगा करेंगे, पंजाब में जो चल रहा है वो सबको पता है, सिख क्रिश्चियन, सिख क्रिश्चियन, कोई भी आता और आपको बहका लेता है और आप बहकाई में आ जाते हो, ये हो क्या रहा देश के अंदर। बस आपको तो दूसरे वीडियो देखने से फुर्सत मिलेगी, तभी तो आप कुछ देखोगे ना, आपको वीडियो शेयर करने में भी दिक्कत आती है, ये बता देते कोई अच्छा वीडियो था ना, रीच डाउन कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलते रहेंगे ताकि आने वाले समय में आपको दिखा सके, ये देखो बोल रखा था, अगर आप लोगों ने आंखें ही नहीं खोली तो हम क्या करें। अभी तो दस्तार पे हाथ पहुंचा है, गले पे पैर भी पहुंचेगा, और तुम धन्यवाद भी करोगे, धन्यवाद भी करोगे जब तुम्हारे को दबाया जाएगा। जिसकी समझ में आ रहा हो ना, वही वीडियो को शेयर करना, आज अगर आवाज नहीं उठाई ना तो सिर से दस्तार नहीं, कंघा, कड़ा, कृपाण, कछा, केस, हर चीज गायब होती जाएगी, गारंटी है इस चीज की, गारंटी, क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, शुरुआत कर दी है ये, और बीच में बस सेना को उड़ा देते हैं, सेना का एक ऐसा नाम ले रखा है, सेना को उड़ा दो बीच में। आज तक तो नहीं देखा हमने इतिहास में कहीं पर भी सेना के अंदर कभी ये बोला गया कोई सिखों के दस्तार उतारो, नहीं बोला गया, स्पेशल ऑपरेशन करते नहीं क्या, सिख भी करते हैं, राजपूत भी करते हैं, हर रेजिमेंट करती है, ये स्पेशल कानून कैसे आ गया, आवाज उठाइए इस कानून के प्रति, नहीं तो ना दबा दिया जाएगा आपको, खत्म कर दिया जाएगा आपके इतिहास को। बड़े बड़े युद्ध लड़े, चाहे चमकौर का लड़ा है, सारागढ़ी का युद्ध लड़ा है ना, तो कभी दस्तारों तक तब बात पहुंची नहीं, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा है उसके बाद भी कितनी लड़ाइयां हुई है, सिखों ने लड़ाई नहीं लड़ी क्या, कभी नहीं दस्तार तक हाथ पहुंचा, अब कैसे पहुंच गया, सवाल करो, सवाल नहीं करोगे, आपका मुख्यमंत्री मशगूल है अपनी मैडम के लिए 1.5 लाख के सैंडल लाने में, और आप लगे रहना बस, आपका इतिहास खत्म। जिसकी समझ में आए ना वो वीडियो को शेयर करना भाई, सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लेना, और ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल है ना, इसके ऊपर आपको सच्चाई बताई जाएगी, सच्चाई दिखाई जाएगी, आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही पता नहीं है, लेकिन जितना जल्दी समझ लोगे फायदे में रहोगे, नहीं तो नुकसान में आप लोग जा चुके हो। वीडियो को शेयर कर देना, और किसी साथी का कोई सवाल है पूछ लेना,
9518883630 9518883630 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपना सवाल पूछ सकते हो। अभी हाथ दस्तार तक पहुंचा, गले तक जाने में टाइम नहीं लगेगा, हाथ ऊपर से थोड़ा सा ही नीचे लाना है और आपका गला, आपका गिरेबान उनके हाथ में होगा, ये याद रख लेना बस। जिसकी समझ में आता है वीडियो को शेयर कर देना, और जो नया साथी जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लेना। नमस्कार भाई दोस्तों।